साल 2014 बांग्लादेश की धरती पर ICC T20 विश्व कप का 5वां एडिशन शुरू हुआ, जिसमें पहली बार नेपाल की क्रिकेट टीम ने भाग लिया था। अपने देश को इतने बड़े स्टेज पर खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक करोड़ों नेपाली लोगों में से एक बच्चा यह टूर्नामेंट भारत में बैठकर देख रहा था। इस टूर्नामेंट में जब नेपाल की टीम ने पहले हांगकांग और फिर अफगानिस्तान जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ जीत हासिल की, तो उस बच्चे के मन में एक विचार आया कि एक दिन वो भी अपने देश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेगा। संदीप लामी छाने नाम का यह 13 साल का बच्चा आज विश्व क्रिकेट में अपने देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। आज के इस एपिसोड में हम लामी छाने के जुनून और जिद और जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे बहुत से नेपाली दर्शकों की ये डिमांड थी कि हम संदीप लामी छाने पर एक वीडियो करें, तो आप सभी नेपाली दर्शकों की डिमांड पर हाजिर है ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 2 अगस्त साल 2000 नेपाल के गांडकी प्रदेश में स्थित स्यांगजा जिले में पिता चंद्र नारायण लामी छाने और माँ कोपिला देवी के मिडिल क्लास परिवार में उनके सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम संदीप लामी छाने रखा गया। संदीप लामी छाने के पिता भारत के हरियाणा राज्य में रेलवे के क्षेत्र में कर्मचारी थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। अपने बड़े भाई बहन के साथ टेनिस गेंद से घर के बाहर शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलने वाले संदीप को यह खेल शुरू से ही बहुत पसंद था। संदीप लामी छाने नेपाल के जिस जिले से आते हैं वहाँ सरकारी नौकरी करने वाले और खासकर आर्मी में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, और ऐसे में काफी शिक्षित माहौल के बीच रहने के कारण संदीप भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। संदीप की माँ कोपिला देवी भी अपने छोटे बेटे को इंजीनियर बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन संदीप को ऐसे कामों में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उनके मन में भी क्रिकेटर बनने का विचार नहीं आया था। 9 साल की उम्र में संदीप अपने पिता के पास हरियाणा आ गए और यहाँ कर उन्हें क्रिकेट की लोकप्रियता और इस खेल के सही मायने समझ में आने लगे। संदीप ने यहाँ कर सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना और फिर क्रिकेट को दिल लगाकर फॉलो करने लगे। ये वही समय था जब संदीप ने क्रिकेट के खेल में अपना भविष्य ढूंढना शुरू कर दिया था। वापस नेपाल आकर संदीप ने साल 2014 में चितवन क्रिकेट एकेडमी में दाखिला ले लिया और शेन वार्न को अपना आइडल मानने वाले संदीप लामी छाने ने बल्ले की जगह गेंद को तरजीह दी और अपनी गेंदबाजी पर काम करना शुरू कर दिया। चितवन क्रिकेट एकेडमी में संदीप लामी छाने राजू खड़क की देखरेख में लगातार खुद को बेहतर बना रहे थे। संदीप बताते हैं कि यहाँ कर ही उन्हें लेग स्पिन, ऑफ स्पिन वगैरह के बारे में जानकारी मिली। इससे पहले उन्होंने अधिकतर मौकों पर इस खेल को सिर्फ समय बिताने के लिए ही खेला था। संदीप ने एक अच्छे खिलाड़ी बनने की तरफ कदम तो बढ़ा दिए थे, लेकिन तब तक नेपाल क्रिकेट का डोमेस्टिक क्रिकेट में स्ट्रक्चर ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। एकेडमी में आने वाले बच्चों को अपना हुनर दिखाने के लिए मैच खेलने के बहुत कम मौके मिलते थे और ऐसे में लामी छाने अपना स्तर तय नहीं कर पा रहे थे। नेपाल में क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रहे बहुत से बच्चों ने इस कारण के चलते खुद को इस खेल से दूर कर लिया था, क्योंकि नेपाल में आगे बढ़कर उच्च स्तर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। अपने भविष्य को लेकर इसी कश्मकश में संदीप ने अपने खेल को जारी रखा और एक दिन नेपाल क्रिकेट टीम के कोच पुब्दु दास नायके किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए काठमांडू से चितवन आए, और ऐसा किस्सा सुनने को मिलता है कि संदीप लामी छाने की क्रिकेट एकेडमी के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई और इसलिए दास नायके कुछ समय के लिए उस एकेडमी में चले गए, जहां उन्होंने संदीप को गेंदबाजी करते हुए देखा। संदीप लामी छाने की गेंदबाजी और उनके हुनर से प्रभावित होकर दास नायके ने उन्हें साल 2016 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग कैंप में दाखिला करवा दिया था। इस समय तक लामी छाने की उम्र लगभग 15 साल थी और उन्होंने ट्रेनिंग कैंप में अपने कोच की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम में अपना स्थान बना लिया। 30 जनवरी साल 2016 को नेपाल अंडर-19 टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जगह उस टूर्नामेंट में शामिल हुई आयरलैंड की टीम के खिलाफ हुआ और इस मैच में संदीप लामी छाने ने 27 रन देकर 5 विकेट अपने नाम कर आयरलैंड को 131 रनों पर ही रोक दिया था। इन 5 विकेटों में संदीप ने अपने आखिरी 3 विकेट हैट्रिक के रूप में प्राप्त किए थे और इस तरह संदीप लामी छाने अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए थे। अपने इस प्रदर्शन के चलते लामी छाने को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद लामी छाने के लिए सब कुछ बदल गया। आगे बढ़ने के जो रास्ते एक समय में उन्हें धुंधले नजर आ रहे थे, वो सभी अवसर अब उनके सामने हाथ फैलाए खड़े थे। लामी छाने ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का अपना सफर दूसरे सबसे सफल गेंदबाज के रूप में 14 विकेट लेकर पूरा किया। इसके बाद लामी छाने ने 16 अप्रैल साल 2016 में ICC वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप लीग में नामीबिया के खिलाफ खेलते हुए अपने लिस्टेड करियर का आगाज कर दिया। ICC चैंपियनशिप लीग के दूसरे एडिशन में लामी छाने को अपने पसंदीदा खिलाड़ी पारस खड़क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका भी मिला, जिस खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। यहाँ भी लामी छाने ने बढ़िया प्रदर्शन किया
और अब यह गेंदबाज नेपाल क्रिकेट का एक नया चेहरा बन गया था। लामी छाने के लिए एक एक करके सभी रास्ते खुल रहे थे और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने के लिए लामी छाने का अगला पड़ाव हांगकांग था, जहां हांगकांग T20 ब्लेस्टन के पहले एडिशन में खेलने के लिए हांगकांग के खिलाड़ी स्कॉट मैकेनी ने उन्हें बुलाया था। दरअसल साल 2016 में MCC के नेपाल दौरे के दौरान स्कॉट और लामी छाने एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, जहां लामी छाने ने स्कॉट को 3 बार आउट किया और लामी छाने के खेल से खुश होकर स्कॉट ने उन्हें इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने हांगकांग में होने वाले T20 टूर्नामेंट के लिए उन्हें बुला लिया। इस टूर्नामेंट में खेलते हुए लामी छाने की मुलाकात माइकल क्लार्क से हुई। ICC के एसोसिएट सदस्य देश के एक खिलाड़ी का विश्व चैंपियन कप्तान से मिलने का अनुभव कैसा रहा होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और उस पर माइकल क्लार्क ने संदीप लामी छाने को ऑस्ट्रेलिया आने का निमंत्रण भी दे दिया। सितंबर 2016 में लामी छाने को माइकल क्लार्क का एक पत्र मिला, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने लामी छाने को सिडनी के वेस्टर्न सबर्ब क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने के लिए बुलाया था। लामी छाने बताते हैं कि माइकल क्लार्क के कहने पर पहली बार एशिया से बाहर गए थे और जब वो सिडनी पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद क्लार्क वहां मौजूद थे। ये सभी बातें एक सपने की तरह घटित हो रही थी। नेपाल से अपने स्किल के दम पर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना सचमुच अनोखा सफर था, लेकिन अभी भी लामी छाने का सबसे बड़ा सपना पूरा नहीं हुआ था। 2017 में U19 एशिया कप में खेलते हुए लामी छाने ने अपने करियर के सबसे चमत्कारिक प्रदर्शन को अंजाम देते हुए मलेशिया के खिलाफ मात्र 8 रन देकर 5 विकेट लिए और विरोधी टीम को 45 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचा दिया। अगला साल लामी छाने के लिए बहुत शानदार साबित हुआ। विश्व पटल पर हर तरह के मैदानों पर झंडा फहराने के बाद लामी छाने को 2018 के पहले महीने में IPL के लिए ऑक्शन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया, जिसके बाद इस गेंदबाज को दिल्ली की टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। आगे लामी छाने को इसी साल कैरिबियन प्रीमियर लीग से लेकर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग और फिर बिग बैश लीग के लिए भी साइन कर लिया गया और ये सब कुछ नेपाल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हो रहा था। मई 2018 में लामी छाने ने बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए पार्थिव पटेल की विकेट लेकर अपने IPL करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इस गेंदबाज को 2 और मैचों में खेलने का मौका मिला, जहां इनके खाते में 4 विकेट आए थे। दुनिया भर की T20 लीग्स में शामिल होने के अलावा लामी छाने को नेपाल की तरफ से ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 नाम के टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला, जो साल 2018 में 7 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। यहां लामी छाने ने केन्या के खिलाफ 5 विकेट होल हासिल कर मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किया और इसके अलावा भी लामी छाने ने हर मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत नेपाल को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचा दिया था। 6 मैचों में 17 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी चुना गया था। मई 2018 में ICC ने एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम का निर्माण किया था, जिसमें लामी छाने भी शामिल थे और इस टीम का मुकाबला लॉस्ट स्टेडियम पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाला था। इस मैच के जरिए लामी छाने ने T20 क्रिकेट में पदार्पण किया था। 2018 ही वह साल रहा जब लामी छाने को अपने इतने लंबे सफर के बाद मंजिल मिल गई और इस खिलाड़ी को नेपाल की सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय वनडे टीम में शामिल किया गया था। 1 अगस्त के दिन लामी छाने ने नीदरलैंड्स के विरुद्ध खेलते हुए अपना वनडे डेब्यू किया। लामी छाने सबसे पहले नीदरलैंड के विरुद्ध ही नेपाल के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय T20 डेब्यू कर चुके थे। आगे लामी छाने ने 2018-19 में एशिया कप क्वालिफायर में 6 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट अपने नाम किए थे और फिर इस खिलाड़ी को MCC के खिलाफ नवंबर 2019 में अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी खेलने को मिला था। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और लामी छाने अब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट टीम के पहले 11 खिलाड़ियों में शामिल होने वाला यह खिलाड़ी आगे चलकर T20 क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने वाला पहला नेपाली गेंदबाज भी बना। दिसंबर 2021 में लामी छाने को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल द्वारा टीम का नया कप्तान भी बना दिया गया है। अब क्रिकेट से बेइंतहा प्यार करने वाले इस देश को टेस्ट स्टेटस मिलने का बेसब्री से इंतजार है। रही ख्वाब लामी छाने की आंखें भी देख रही हैं। आज नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से जुड़े हर रिकॉर्ड के आगे संदीप लामी छाने का नाम दर्ज है। फिर भले ही बात वनडे क्रिकेट में सबसे शानदार प्रदर्शन की हो या वनडे और T20 में सबसे ज्यादा क्रमशः 69 और 73 विकेट के आंकड़ों की हो, लामी छाने अपने देश के पहले सुपरस्टार गेंदबाज हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहता है तो हम आगे भी नेपाल क्रिकेट पर वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।